तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये क्या कहा जा रहा है। अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और उसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट के मतलब उसको मैं फेंक देता हूँ, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लिनेशन, ये एंगल 45 डिग्री है। तो अगर 45 डिग्री से मैं एक ब्लॉक को इधर फेंक देता हूँ, इधर को डायरेक्शन में, ये एरो ऐसे बना लेते हैं, तो इधर को डायरेक्शन में मैं फेंक देता हूँ, तो जैसे ही मैं फेंकूंगा वेलोसिटी यू से, वैसे ही क्या होगा भाई, इस ब्लॉक में रिटार्डेशन आ जाएगा। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन या म्यू जो है वो 0.5 ऑलरेडी मेंशन है, तो रिटार्डेशन निकालना। जैसे ही फेंकोगे ब्लॉक ऊपर तो जाएगा यार, ब्लॉक ऊपर जाएगा लेकिन वेलोसिटी भी ऊपर होगी, लेकिन इसका रिटार्डेशन एक्सलेशन इसका पीछे लगेगा। हर पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पे होगी, दैट इज वी डैश, और रिटार्डेशन ये फाइनली जो ब्लॉक है कहीं पे जाके रुक जाएगा। चलो मान लो यहाँ पर वो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है और पीछे इसको फोर्स लग रहा है। तो ये जो एक्सलेशन ए है, इसी रिटार्डेशन की हमें वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखो, या तो तुम्हें फार्मूला डायरेक्ट याद हो, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सलेशन वर्टिकली जो नीचे लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, नहीं तो तुम निकालोगे। तो इस ब्लॉक पे फोर्स दोगे हुए तो नॉर्मल इधर जाएगा और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है ना। और अगर तुम देखोगे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये थीटा है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो कि होगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इसको नीचे लाएगा जो होगा एम जी साइन थीटा। और सिंस ब्लॉक की वेलोसिटी अपवार्ड है तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगी, मतलब इधर लगेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इधर लगेगी, तो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगी, ये वाली चीज़। तो अब कुल मिला के अगर तुम इस पर एक्स एक्स फोर्स देखोगे तो फोर्स जो है वर्टिकली, नॉर्मल वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल तो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस किया हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेकिन नीचे जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू एम ए, और एफ इक्वल टू एम ए ये जो नेट फोर्स है वो किसका किसका रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन काइनेटिक प्लस एम जी साइन थीटा का रिजल्टेंट है। तो फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू एन प्लस यहाँ से एम जी साइन थीटा के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से म्यू एन की वैल्यू डाल दो, यहाँ से एम जी कॉस थीटा और प्लस यहाँ से एम जी साइन थीटा, अब यहाँ से ये इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से मास खत्म हो गया, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू यहाँ से जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यार ये कितनी बार मैं डिराइव किया हूँ, देखो पेशेंस होना चाहिए सब काम करने के लिए, यार मैं कितनी बार डिराइव किया, और बार बार यही कहता हूँ कि इसको याद कर लो भाई, ठीक है, ये कि बहुत बार यूज होगा ना। तो एक्सलेशन प्लेन पे नीचे अब ब्लॉक आ रहा है तो उसका एक्सलेशन इतना होगा, ठीक है ना, तो वाली चीज़। तो अगर तुम देखोगे इस एक्सलेशन की वैल्यू, अब कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है फार्मूले में वैल्यू डाल देना है, ठीक है ना। जी की वैल्यू 10 लिख देता हूँ और साइन 45 ले लेता हूँ, प्लस म्यू की वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब 1/2, और साइन 45 यहाँ से कॉस 45, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तुम देखोगे तो 10 और ये 1/√2 और प्लस 1/2 और 1/√2, ठीक है ना। तो फाइनली जब इसको तुम सॉल्व करो, एक्चुअली जी के टर्म में दिए हैं सोल्यूशन, तो यहाँ से जी पहले से था और √2 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/2 बचेगा, मतलब यह आ जाएगा 3g/√2। तो 3g/√2 तुम देखोगे 3g/√2, तो अपना जो है वो सी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू।